इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो अभी अगर हम पूरा विजिट कर लें फिर देखते हैं कि हमें क्या चीज़ खरीदनी, क्योंकि पहले आपके लिए हमें कंटेंट ज़रूरी है, बाकी हम क्या खरीदेंगे वो भी हम नेक्स्ट ब्लॉग में आपको ज़रूर दिखाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अकबर अहमद, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम हैं लखनऊ में, और लखनऊ में एक ख़ास वजह से हैं क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अभी है अक्टूबर और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती थी, इसी के उपलक्ष्य में लगा हुआ है राज्य स्तरीय खादी ग्रामोद्योग की प्रदर्शनी। तो हम इस पर बहुत सारे स्टॉल आए हुए हैं, आपके हैंडीक्राफ्ट है, बैग है, पर्स है, सूट हैं, दुपट्टे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको एक एक चीज़ बराबर से डिटेलिंग से दिखा सकूँ। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले इस ब्लॉग को आप एंड तक देखिए और मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए हम चलते हैं और एक एक चीज़ को डिटेलिंग में आपको दिखाते हैं। अगर ये ब्लॉग आपको वाकई अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस चलिए, आइए हमारे साथ इस सफ़र में आप भी बने रहिए। ये गेट है और गेट से आपकी एंट्री है, और जैसे ही आप एंट्री लेते हो तो पहली स्टॉल है आपकी हरि ओम खादी पानीपत से आई हुई है। और यहाँ पे ज़्यादातर जो कलेक्शन है वो लेडीज़ का कलेक्शन है, पूरा खादी है। तो अब चूँकि स्टॉल पे भी है नहीं तो हम नेक्स्ट स्टॉल पे चलते हैं। तो हम इस वक्त हैं सपना ग्रामोद्योग सेवा समिति में, और ये जो स्टॉल है ये पूरा अचार का स्टॉल है। और यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट वैरायटी में अचार हैं। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये कटहल का अचार है, लीची का अचार है, लाइम का अचार है, लहसुन का अचार है, आंवला का अचार है। और भाई साहब आपका नाम क्या है? गोविंद दीक्षित। तो हमारे साथ में गोविंद दीक्षित भाई, जिनका ये स्टॉल है अचार का। और अगर आप गेट से जैसे ही एंट्री करेंगे तो उसके जस्ट सामने ये स्टॉल है। तो गोविंद भाई, आपका अचार ये कहाँ का है? ये बक्सी तालाब बीकेटी लखनऊ। अच्छा, लखनऊ से ही आप? जी। तो आप यहाँ पे कितने तरह के अचार हैं? हमारे पास 17-18 मेर का अचार रहता है, जिसमें आम का, मिक्स का, हरी मिर्च, लाल मिर्च, लहसुन, अदरक, जिमीकंद का अचार, टेंटी का अचार, कई अचार हैं। ये सारे अचार हैं? तो कोई एक दो चार जो आपके ज़्यादा सेल होते हैं उनका बताइए कि कैसे बनाते हैं आप, क्या चीज़? वो मिक्स अचार रहता है जो सब कोई लेते हैं। मिक्स अचार में इसमें आम, नींबू, गाजर, करौंदा, हरी मिर्च वगैरह रहती है। अच्छा, ये चीज़ है। और लाल मिर्चा है, लहसुन का अचार है, कटहल का है, आंवले का अचार भी बहुत ज़्यादा बिकता है। जी, क्योंकि आंवला हर एंगल मतलब विटामिन सी की मात्रा बहुत होती है आंवले में, जो पूर्ण करता है। आंवला ही एक ऐसा फल है जिसको पीसने से लेकर उबालने तक उसका विटामिन सी नहीं कम होता है, बाकी सबका कम हो जाता है। जी सर। तो ये कितने रुपए का एक डब्बा है? ये 500 ग्राम का, ये 100 रुपए का है, 1 किलो 200 रुपए का। अच्छा, ये वाला? हाँ, ये आधा किलो का। तो ये आंवले का चार है और ये 500 ग्राम का है और ये 100 रुपीज का है, छूट कटने के बाद। वैसे 110 रुपए का आता है ये आधा किलो का। अच्छा, तो यहाँ अच्छा अच्छा तो डिस्काउंट भी है यहाँ पे? जी जी। चलिए, तो कितना परसेंट डिस्काउंट है? 10% है ग्रामोद्योग में, खादी में है जो कपड़े में वो 30% का। अच्छा, और इसमें 50%? 10%। अच्छा, 10%। अगर आप कुछ कपड़े की चीज़ लेते हैं तो उसमें 30% है। तो आप एक बार ज़रूर विज़िट करिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। एंड ये हर साल लगता है इसी जगह पर? हाँ, पिछले साल भी लगा हुआ था इसी जगह पर। इसी पे? अच्छा। बाकी गाइज, अगर आप देख रहे हैं तो ये बहुत डिफरेंट तरह के अचार हैं। और आप अगर दाल चावल या घर पे कोई सब्जी है तो ये अचार तो ऐसी चीज़ है जो हर खाने में इस्तेमाल होता है। और ये क्या चीज़ है मैं देख पा रहा हूँ? ये कुछ ये गन्ने का सिरका है। अच्छा, ये सिरका है? हाँ। अच्छा, चाहिए शुद्ध सिरका है, इसमें कोई भी केमिकल का योग नहीं है, प्योर गन्ने का है। अच्छा, ये किस काम आता है सिरका? ये अचार वगैरह बनाने में काम आता है। और अच्छा, उसमें जो पानी की जो कमी होती है उसको? उसकी कमी को पूरा खट्टा रहता है ये, प्योर एसिड कहते हैं इसको, खाने वाला एसिड है ये सिरका, गन्ने का सिरका होता है। अच्छा, गन्ने का है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बहुत तरह के आंवले का जूस भी है, ये आंवले का जूस है।
अच्छा ये आंवले का जूस है, प्रत्यक्ष जीवन शक्ति है आंवला, किसी भी रूप में ले। अच्छा और ये एक बॉटल कितने की है? 150 की है, वैसे 170 की आती है छूट कटने के बाद, 150 छूट कटने के बाद 170 की है। तो बहुत बढ़िया। और गाइस अगर आप इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो आइएगा इस प्रदर्शनी पे और ये अचार आप ज़रूर लीजिएगा, साथ में सिरका भी है। और अभी आगे और चलते हैं, बहुत सारे स्टॉल हैं सबको कवर करना है एंड आई होप ये ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइस अब हमें ये लेदर की शॉप है जहाँ पे आपका बेल्ट है, पर्स है, बैग हैं, लेडीज़ बैग हैं और ये साइड बैग हैं, ये सारे हैं। और हमारे साथ में फहाद शमीम अख्तर, अच्छा शमीम अख्तर, हमारे साथ में शमीम अख्तर भाई। तो ये सारा माल आपका मुंबई का है, लखनऊ का है? मुंबई का है। और ये स्टॉल आपका कब से कब तक लगता है? ये 2 अक्टूबर से लगा है और ये 16 तक है, 16 अक्टूबर तक जाएगा। और क्या क्या वैरायटी कुछ आपका कलेक्शन हो जो हमारी ऑडियंस? ये खादी इंडिया का एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, लेदर प्रोडक्ट, जेन्युइन प्योर लेदर। जी एक्सक्लूसिव जेन्युइन, जो हाई डिज़ाइन रेडली मलबरी जो मैं मार्केट में 10,000-15,000 में मिलते वो इधर 5,000-4,000-3,000 से स्टार्टिंग प्राइस है। ऑफिस बैग है, लैपटॉप बैग है, साइड बैग है, मैसेंजर बैग है, लेडीज़ बैग है, जेंट्स वॉलेट है। ये कितने का है बैग? ये सर 4,500 रुपये। कुछ इसमें छूट वगैरह भी? डिस्काउंट 20% डिस्काउंट है सभी में, ऑल प्रोडक्ट 20% डिस्काउंट। तो ये आफ्टर 20% नहीं, ये आफ्टर 20% नहीं है, ये बिफोर 20% है। अच्छा, आफ्टर प्राइस 5,600 रुपये है इसका प्राइस। ये चीज़ है। और क्या क्या चीज़ें हैं ये बहुत अच्छे में? कोई छोटे से ये कॉइन है, कीज है, कॉइन्स के लिए वॉलेट्स है, लेडीज़ वॉलेट है, सब खादी ब्रांडेड प्रोडक्ट। तो ये कितने का लेडीज वॉलेट? 1,000 का आफ्टर डिस्काउंट। अच्छा 1,000 आफ्टर डिस्काउंट। पासपोर्ट होल्डर है, पासपोर्ट चेक बुक्स के लिए ये सारी चीज़ें हैं। बेल्ट्स हैं, सब एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है। अच्छा ये रिवर्सिबल बेल्ट है दोनों तरफ पहनने वाला, जैसे ये आप दोनों तरफ, ये ब्लैक भी है और ये ब्राउन भी हो गया, ब्राउन ब्लैक दोनों। और इसका प्राइस क्या है? इसका 750 विद डिस्काउंट 950 का है। ये शोरूम में 2,000 में मिलते हैं, ओरिजिनल वाला है ये, एकदम जेन्युइन प्योर। तो इसको ट्राई करते हैं एंड है। अच्छा इसमें और डिफरेंट वैरायटी में भी है कि आप अगर ये वाला पसंद है, क्योंकि ये शायद ये वाला है, और अगर उसमें आपको डिफरेंट ये चाहिए या फिर ये चाहिए तो वो चीज़ें भी हैं। तो ये दोनों तरफ लेदर है आपका? जी दोनों प्योर लेदर। अच्छा ये दोनों तरफ लेदर देखने के लिए रखा हुआ है। अच्छा आप देख के रियलिटी, तो ये देखिए रियलिटी है कि आपका ये कटा हुआ है, नॉर्मली होता है कि शॉप्स में कटा नहीं होता, तो ये आपका दोनों तरफ लेदर है। अगर आप इस तरफ भी पहनना चाहो उस तरफ, यानी कि एक बेल्ट और आप दो तरह से पहन सकते हैं। और शाइनिंग बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो मैं तो एक बार आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप आ रहे हैं तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें डेली यूज़ में भी ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा यूज़ में ज़रूरत होती है। और ये सिर्फ 700 का पड़ेगा आप पर, 20% डिस्काउंट है, 950 है। अच्छा 950 इसका एक्चुअल प्राइस है, आफ्टर डिस्काउंट 720 रुपये का है। तो बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने पहन रखा है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो अभी एक बार हम पूरा विज़िट कर लें, फिर देखते हैं कि हमें क्या चीज़ खरीदनी, क्योंकि पहले आपके लिए हमें कंटेंट ज़रूरी है, बाकी हम क्या खरीदेंगे वो भी हम नेक्स्ट ब्लॉग में आपको ज़रूर दिखाएंगे। और ये आपका जो स्टॉल, ये सारा जड़ी बूटियों का है और ये आपके यहाँ पे लगा हुआ है सामने के चेहरे के लिए, बालों के लिए, खांसी के लिए, चर्म रोग के लिए, सुमरण शक्ति के लिए, पथरी एवं मूत्र रोग के लिए आप ये सारी जड़ी बूटी इस्तेमाल। तो ये हमारे सुखाराम जी हैं जो कि बीकानेर से आए हैं, और ये जो पापड़ देख रहे हैं ये सारा बीकानेर का बड़ा मशहूर फेमस पापड़ है। और तो सुखाराम, सबसे पहले स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आपके यहाँ कितने नंबर ऑफ़ वैरायटी के पापड़ हैं? हमारे पास पापड़ ये 5 वैरायटी का पापड़ है जी, चने का, चना लहसुन का है, मूँग का है, मूँग लहसुन का है, तिरंगा पापड़ है, अदरक पालक पुदीने का है, सूंड का पापड़ है, और वैसे ये टोफियाँ भी है, बहुत सारे वैरायटी की जो बचपन में खाते थे वही चीज़ मिलेगी। नमकीन 6-7 वैरायटी की है, अचार हरी मिर्ची का, लाल मिर्ची का, जो बड़ी वाली जोधपुर की मिर्च आती है उसी का बनता है ये, और मूंग की बड़ी, और
ये गट्टे मोठ की दाल के बनते हैं जी ये चीज़ें। तो आपका जो ये पापड़ है ये कौन सा पापड़ है? चना मसाले का। अच्छा ये चना मसाले का कितने रुपए का है ये पापड़? ये चना मसाले का ये आधा किलो पैकिंग रहेगा, इसका 150 रुपये रेट है इसमें। अच्छा 150 रुपये। और कितने पीसेस हैं इसमें? पीस इसके अंदर होगा करीब करीब 45 से 50। अच्छा अच्छा, लेकिन वजन पे है। अच्छा ये वजन पे है, उस पे नहीं, पीसेस पे नहीं है। ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं ये वजन पे है। ये पूरा चने का पापड़ है? सब चने का पापड़ है। ये मूंग का है, मूंग लहसुन का है। अच्छा मूंग लहसुन, दो चार वेराइटी और पड़ी है अपने पास, ये सारी चीज़ें हैं। और ये आपकी टॉफ़ी के पैकेट क्या क्या है? टॉफ़ी के पैकेट है जो ये लेमन की है, काला खट्टा हाजमोला है, और कच्चे आम की है, लीची की है, ऑरेंज है, स्ट्रॉबेरी पान है। अच्छा, और ये डब्बे से पैकेट कितने? ये 20 रुपये का पैकेट है। अच्छा 20 रुपये का पैकेट है। और ये डिफरेंट डिफरेंट पान का कौन सा है? ये स्ट्रॉबेरी पान। अच्छा ये पान का है, तो ये बहुत अच्छा है, इसमें पान फ्लेवर है आपका, ज़रूर एक बार ट्राई करिए। और इधर आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं हमारी। ये क्या चीज़ है? ये अचार? अचार ये हरी मिर्ची का है, ये लाल मिर्ची का है, ये लहसुन की चटनी है। अच्छा ये गार्लिक जो सिली पट्टे पे बढ़ के है उसकी पे। अच्छा वो चटनी है, ये पैक्ड है पूरा, ये बना बनाया? बना बनाया, ऑलरेडी तैयार है, इसमें तेल नहीं पड़ता, बिगड़ तेल का होता है, एक साल खराब नहीं होता। अच्छा, और ये आपकी जो है? ये हमारी नमकीन, बहुत नमकीन है। एंड इसमें कौन कौन सी वैरायटी? इसमें ये बीकानेरी भुजिया है, पुदीने की सेव है, खट्टा मीठा है, चना मसाला है, और लहसुन की सेव है, मूंगफली की टेस्टी है, भेलपूड़ी है, खड़क सिंह है। अच्छा ये सारी। और ये इसका वेट कितना है? इसका वेट 400 ग्राम है। अच्छा 400, कितने रुपए की? ये 90 रुपये। अच्छा 90 रुपये की, सबका रेट एक समान है? हाँ सबका रेट एक समान। चलिए ये बहुत बढ़िया है। तो अगर आप गाइस आ रहे हैं तो ये आपने देखा नमकीन का भी कलेक्शन है, अचार भी है, और ये मिर्चे से रिलेटेड है, तो अगर आप घर में कुछ बना है बेहतरीन चटपटा तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। और ये क्या चीज़? ये मूंग दाल की बड़ी बनती है। अच्छा, राजस्थानी बड़ी होती है, इसकी सब्ज़ी बनाई जाती है। और ये होते हैं मोठ की दाल का गट्टा, इसकी तो हमारे सब्जी ब्याह शादियों के अंदर एक विशेष सब्जी इसी की बनाई जाती है। अच्छा इसकी सब्जी भी बनती है? इसकी सब्जी बनती है। और ये आपका आई थिंक ये रोस्टेड अलसी होती है? अलसी है ये जो राजस्थान में जो दोरों की बरसात के पानी से होती है, हमारे वहाँ नहर का पानी है नहीं, बरसात के पानी से होती है, बहुत बढ़िया चीज़ है ये चीज़ है। और ये आपका है तो एक बार ज़रूर विज़िट करिए। और अभी बहुत सारे स्टॉल हैं, हम आगे विज़िट करते हैं। सो ये फतेहपुर का आपका खादी ग्राम उद्योगिक का पूरा कलेक्शन है, और हमारे सामने हमारे भाई साहब हैं। तो भाई साहब आपका क्या नाम है? अश्विनी कुमार। सुमित कुमार? अश्विनी कुमार। अच्छा अश्विनी कुमार जी हैं, और इनका ये जो पूरी आप कलेक्शन देख रहे हैं ये पूरा खादी का कलेक्शन है। तो अश्विनी भाई, जो आपका सबसे बेस्ट कलेक्शन है वो दिखाइए, और क्या प्राइसेस हैं, अगर हमारी ऑडियंस आप तक आती है तो सबसे अच्छा कलेक्शन उनको कौन सा लगेगा, थोड़ी सी डिटेल अगर आप बताएं। ये सब जगह का कलेक्शन होता है, अलग अलग रेट होते हैं, अलग अलग प्रोडक्शन है, अलग अलग सब काम है। तो कोई चीज़ अपना प्रोडक्शन दिखाते हैं, दिखाओ बेटा। और ये आपका काफ़ी खादी के कलेक्शन रखे हुए हैं, और ये प्योर खादी है। आप अगर यहाँ पे आ रहे हैं, इस प्रदर्शनी पे आ रहे हैं, तो आपको प्योर खादी मिलेगी सबसे पहली बात, और शायद ऐसी खादी आपको और जो शॉप है या शोरूम पे उस पर देखने को नहीं मिलेगी। अगर मैं इसकी क्वालिटी देख पा रहा हूँ तो बहुत अच्छी क्वालिटी है, और कलर भी अच्छा है, और ऐसी खादी वाकई हमें भी नहीं देखने को मिलती। बहुत पहले जब दादा वगैरह पहनते थे तब ये देखने को मिलता था, इस तरीके के कुर्ते और धोती और गमछा, अब ये नहीं मिलता। अब यह तो कॉटन होगा या तो सिल्क टाइप होगा, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसका क्या प्राइस है थोड़ा सा वो चीज़? 135 रुपये मीटर होगी। अच्छा ये जो आफ्टर रिबेट जो है 95 रुपये पड़ेगी। अच्छा 95 मीटर। और क्या बोलते हैं आपका ये किस चीज़ के लिए? ये कुर्ते भी बन सकता बनता है, शर्ट भी बनती है। अच्छा दोनों ही चीज़ें बन सकती, दोनों ही चीज़ बनती है। और ये छीट है? अच्छा छीट है, ये भी आपके खादी है? हाँ। अच्छा अच्छा, और ये कितने रुपए मीटर है? ये 160 रुपये, 160 रुपये, 112 रुपये मीटर पड़ेगा। अच्छा 160 रुपये मीटर है। और ये आपका दो तीन मुझे कुछ वैरायटी में दिखाइएगा ज़रा, जैसे 230 रुपये, 164। अच्छा ये चीज़, और डिस्काउंट कितना है यहाँ पे? 30%। अच्छा 30%, अच्छा कपड़ों में 30% है, और कोई भी आइटम लीजिए आपका 30% डिस्काउंट है। वाइट गमछा ज़रा से दिखाइएगा, ये कितने का गमछा है? 175 रुपये का, 133। अच्छा 133 का पड़ेगा। तो ये आपका खादी का गमछा है, और ये सारे वैरायटी हैं। और इस शॉप का नाम क्या है? राम सेवा संस्थान। अच्छा राम सेवा संस्थान से ये है आपका। इसमें काफ़ी सारे मास्क भी हैं और गमछे भी हैं। वो क्या धोती रखी है के सामने? क्या है, गमछे हैं, धोती हैं। एक धोती दिखाइएगा ज़रा,
तो बहुत दिनों बाद अगर आप देख रहे होंगे तो ये खादी के धोती देख रहे होंगे। वैसे आपने खादी के गमछे, कुर्ता, ये सारी चीज़ें देखी होंगी, और ये बड़े दिनों बाद खादी की धोती। और ये कितनी की धोती? 1,080 रुपये की। अच्छा, 1,000 अच्छी की, डिस्काउंट से पहले 756। 756 की पड़ेगी। और ये कितनी मीटर की धोती है आपकी? ये 4-10 होती है। 4 मीटर 10 पॉइंट। तो ये 4-10 की धोती है और आपको 700 समथिंग की पड़ेगी आफ्टर डिस्काउंट। और प्योर खादी है इस कपड़े की, ये जो खासियत है ये प्योर खादी है। तो अगर आप आ रहे हैं तो ग्राम सेवा संस्था से फतेहपुर का है ये, तो ज़रूर विज़िट करें। और बाकी और आगे भी बहुत सारे स्टॉल हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। सो यहाँ पे हम आए हैं और यहाँ पे बहुत सारे ये कौन सी आर्ट बोलते हैं? मधुबनी पेंटिंग। अच्छा, मधुबनी पेंटिंग। और आपका नाम क्या सर जी? मेरा नाम हुआ कृष्ण कुमार झा। सो हमारे साथ में कृष्ण कुमार झा हैं और इनका जो स्टॉल है मधुबनी पेंटिंग है। और यहाँ पे मास्क है, बैग है, पर्स है, सभी बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में। इनफैक्ट मैंने भी ऐसे पेंटिंग मास्क नहीं देखे हैं जब से कोरोना काल स्टार्ट हुआ। तो ज़रा से बताइए कि आपके पास कौन कौन सी वैरायटी और कितनी कितनी सारी चीज़ें हैं? मेरे पास साड़ी है, सूट है, दुपट्टा है, लेडीज़ पर्स है, मास्क है, क्रॉस बैग है, सब हैंड वर्क है, हैंड पेंटिंग है। अच्छा, ये सारा हैंड पेंटिंग? सब हैंड पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग। हमारी यूनिट की नाम है कलानिधि मिथिला मधुबनी पेंटिंग, बिहार से हम लोग आए हुए हैं। ये देखिए सारा। अच्छा, ये बिहार का है? जी, ये पूरा हैंड पेंटिंग है, सारा हैंड पेंटिंग। तो ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं, मास्क है या फिर ये दुपट्टा है, ये सारा हैंडमेड वर्क है। और इसका प्राइस क्या है? ये सर 1500 रुपये का आएगा। अच्छा, ये 1500 का आएगा जी। और ये किस कपड़े में है? ये खादी कॉटन में। अच्छा, ये खादी कॉटन में है। और ये जो पेंटिंग है ये पूरी आपकी हैंडमेड पेंटिंग है, बहुत बेहतरीन, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हाथ से बनाई गई है। और ये क्या चीज़ है? ये ड्रेस मटेरियल है, कुर्ती का। ये आपका सूट है जो कि प्योर खादी पे है और इस पर जो पेंटिंग बना हुआ है वो हैंडमेड है। तो इसका क्या प्राइस है आपका? ये 1400 का आएगा डिस्काउंट। अच्छा, 1400 का आएगा। और ये बहुत खूबसूरत से मास्क दिख रहे हैं, इनका क्या प्राइस है? ये मास्क 70 रुपीज़ का है सबका। अच्छा, 70 रुपीज़ का है। और ये आपका प्योर खादी में है, आपका हाइजीनिक भी है और इसको आप बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हो। और ये धुलने में ये जाएगा तो नहीं? नहीं जाएगा। अच्छा, धुलने पे ये जाएगा नहीं, जैसा है वैसे ही रहेगा। ये देखिए, ये पर्स है, लेडीज़ पर्स। अच्छा, ये लेडीज़ पर्स है। तो ये इसके कैसे आप प्रिंट करते हैं, इसका कुछ डिटेलिंग? बस डायरेक्ट ये हैंड वर्क होता है। अच्छा, ये पूरा जी, ये चीज़ है। और इसका क्या प्राइस है? ये 700 का। अच्छा, 700 का है। तो ये रहा, तो बहुत सारा है। एंड ये पर्स हैं जो आप अगर कोई छोटे ट्यूशन जा रहे हैं या कहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं तो उन सब के लिए बहुत अच्छा आज का वैसे भी जो ट्रेडिशनल चल रहा है। और ये साड़ी का है। और अगर मैं आपको नज़दीक से दिखा पाऊँ तो ये आप देखिए, ये साड़ी है और इसमें जो वर्क है, आई थिंक मुझे लगता है कि ये जिसने भी पेंटिंग करी होगी बहुत वक्त लगा होगा। और ये देखिए, प्रॉपर देख पा रहे हैं, प्रॉपर मूर्ति बनी हुई है और फेस बना हुआ है। और ये पूरा जो ट्रेडिशनल, ये आपका बिहार का कलेक्शन है। तो कहते ना कि एक बिहारी शॉपे भाड़ी, वही वाली बात है, इतनी सारी स्टोरी। लेकिन जो हैंड वर्क है, ये साड़ी का कितने का प्राइस होगा? 10,500 का है, लेस करके 7,400 का है। अच्छा, 10,500 का है, आफ्टर डिस्काउंट 7,500 का पड़ेगा, यानी कि 30% डिस्काउंट है। और ये कितने मीटर की साड़ी है आपकी? ये 6.5 मीटर का है, वो ब्लाउज पीस के साथ। अच्छा जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और ये एक आपका स्टॉल है जिसमें पूरा खादी का है और इसमें खादी का बेडशीट है, खादी के आपके गमछे हैं, कुर्ते हैं। और ये सामने बहुत सारे स्टॉल है। और ये सामने जो स्टेज है, कोई प्रोग्राम होते हैं बट अभी शायद प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं। एंड लास्ट टाइम हम आए थे तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे थे।